गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह हो चुकी है। सुबह का जो हर औरत का रूटीन होता है, मेरा भी है, झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद खाने वाने की तैयारी की और इसी के साथ दिन की शुरुआत होती है। मेरे चैनल को देखें, पूरा वीडियो देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। ओहो, कौन सी गोभी? आलू? गोभी आलू तुम्हें पसंद है ना? गोभी आलू बहुत, तभी तो बनवा रही हूँ। और क्या बनाऊँ साथ में? कुछ भी बना दो जो पसंद हो आपको। बताओ बताओ, रायता? हाँ रायता, आई लाइक। और शाम को क्या बनाऊँ? शाम को कुछ मंगवाना यार। मंगवाए? हाँ, कुछ शाही पनीर, मटर पनीर? नहीं 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 नहीं। क्या भेलपुरी? भेलपुरी जो भी आपको पसंद हो। गोलगप्पे? हाँ गोलगप्पे, गोलगप्पे। Okay. खाने चलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, घर पे मजा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती। तो हेलो गाइस, हेलो हेलो करो। हेलो, कैसे हैं सब? पता बताओ। आई होप आप सब अच्छे हैं। चाय? ओके, एकदम साथ करते हैं चिप्स वगैरह। हाँ एकदम कड़ाकेदार चाय। नंदू चाय। देखो ये कोई बच्चे पे काम नहीं करवाया जा रहा, उसका मन है इसलिए वो चाय बना रही है। तो इसलिए कुछ गलत ना समझे कि बच्चे पे काम, कुछ नेगेटिव कमेंट्स ना करें। हाँ। नंदू क्या करते हैं चाय में? पहले पानी डालें थोड़ा। ठीक है, इससे नहीं। नंदू कितना चाहिए? इतनी सी चाय में कितनी चाय पत्ती डलेगी? धूप वाली या फिर थोड़ी काली? एकदम कड़क चाय पीते हैं। ज्यादा लोग नहीं है तो कम ही डालिए। हाँ बस। बेटू तुम्हें आती है चाय बनाना? मुझे चाय कॉफी सब आता है। अरे वाह, तो बेटू बनाएगी कॉफी? बेटू कॉफी बनाओगी? नहीं नहीं नहीं, कॉफी तो बच्चे वाली चीज होती है कुछ और। अरे कॉफी तो बड़े वाली होती है। तो तुझे कैसा लग रहा है चाय बनाने के लिए? ये है तो गाइस, आप सभी मेरी तरह एक्साइटेड हो नंदू की चाय देखने के लिए। चाय मीठी होती है या कड़वी? बताओ बताओ, आप लोग भी बताओ कमेंट में। कैसी होती है बता? मीठी चाय पीने आज हम अच्छे से रहेंगे या फिर चाय पी के हम डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको तो फुल वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब नंदू नमक डालेगा? नमक नहीं, वो मिर्ची डालेगी। मिर्ची डालेगी ना तू? हाँ दिस गाइस, थोड़ी थोड़ी चाय जैसी तो लग रही है, पता नहीं क्या है ये। आई फील द इंटीरियर ऑफ दिस किचन। ओके थोड़ा ज्यादा करते हैं। और कर दो? नहीं सही है इतना दूध। हाँ। आप अपने हिसाब से देखो। हम तो ऐसे ही, तू सारा खाना बनाना सीख ले फिर मेरे लिए बनाए करना। अच्छे आते हैं। एक दो तीन चार पाँच, छह सात आठ। तो गाइस अब तो ये थोड़ी लगी रही है चाय की तरह, पर अभी ये थोड़ा बॉयल। बॉयल बॉयल। नंदू अपनी प्लीज शेफ अपनी शक्ल तो दिखाइए। इसे छाने लगा। चाय पीने का? हाँ? कितना? तो गाइस चाय अब थोड़ी थोड़ी चाय जैसी लगने लगी है। तो आई शो यू। वाह लुक एट दिस कलर। तो बनाई किसने? लुक एट दिस ब्यूटी। कड़वी चाय। कैसी चाय है? बिल्कुल कड़वी लग रही है। कड़वी है? ओह माय गॉड, कि नंदू की तरह कड़वी है। कैसी है वो चाय? सही है सही है। चलो वो तो पी के पता चलेगा क्या है, चाय भी है या कुछ तो और है। छोटी तू कैसा लगा तुम्हें कि तुम्हें पता चला कि नंदू दीदी ने चाय बनाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो अब देखते हैं नंदू ने कैसी चाय बनाई है। कड़वी बनाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती। ओह माय गॉड, नंदू कड़वी तो नहीं बनाई तूने? हां बनाई तो है। हाँ हम लोग में से कोई भी नहीं पिएगा, तेरी चाय ऐसी रहेगी। ठीक है, हम लोग पीएंगे नंदू की चाय की। गाइस ये देखिए नंदू ने इतनी चाय बनाई और इतने में तो पता नहीं हमारा कहाँ जाएगी चाय वाय। इतनी कम क्वांटिटी और लोग हैं ज्यादा, पता है। तो अब चाय की व्यवस्था के साथ कुछ खाने की व्यवस्था हो रही है, तो देख लीजिए। वाह
यहाँ पापड़ सिक रहे हैं। चलो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अरे चुप हो जाओ। बच्चों की ऊधमबाजी बंद ही नहीं हो रही थी। बच्चों को बस इतना खेलना था, इतना खेलना था। इतने दिनों बाद दीदियाँ मिली तो बस खेलना खेलना। बच्चे खेलने लगे थे तो इसी के साथ मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। और ये मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई, साथ में चटनी बनाई, और चटनी के साथ मैंने रायता बनाया। रायता और आटा भी लगा लिया। फिर जब बच्चे खाएंगे तब मैं उनके लिए रोटी बना दूंगी।